अब फोर ओ फोर बताने से पहले जस्ट लुक एट दिस पिक्चर फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पर पे कोई पेज सर्च किया तो इस तरह की पिक्चर आ जाती है पेज नॉट फाउंड और दैट्स एन एरर विच इज़ वेरी वेरी यू नो इरीटेटिंग कि मैं एक वेबसाइट के पेज को सर्च कर रहा हूँ और वो मुझे कह रहा है पेज नॉट फाउंड तो साथ में एक छोटा सा वर्ड लिखा होता है फोर ओ फोर अब हम फोर ओ फोर को डिस्कस करने लगे फोर ओ फोर से मुराद ही होती है कि जैसे मैंने किसी एक पेज की रिक्वेस्ट की ब्राउजर को यानी गूगल सर्च इंजन में मैंने एक पर्टिकुलर सर्च की मुझे कुछ वेबसाइट्स नज़र आ गई मैंने किसी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर दिया तो बजाय मुझे वो रेलिवेंट पेज दिखाता वेबसाइट का उसने मुझे एरर पेज दिखा दिया जो मैंने आपको बताया अभी तो इसका मतलब ये कि जो सर्वर है अपाची सर्वर है या कोई भी सर्वर है उसने ब्राउजर को रिटर्न किया है फोर ये उसको यह बताया है कि जो पेज आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता अब उसके यू नो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि पेज का एड्रेस गलत लिखा हुआ मैं लिखा है वेबसाइट के अंदर कोई कोडिंग का इशू है या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इंटरनेट कनेक्शन का मसला है दे कैन बी अ लॉट ऑफ रीजन लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी मैं तो उस वेबसाइट पर दोबारा ही जाने लगा मतलब यह हुआ कि इट इज़ इट विल गिव अ वेरी बैड कस्टमर एक्सपीरियंस और एक तो मैसेज बड़ा और टेक्निकल किस्म का है कि एच डी टी पी समिंग एक तो ये और दूसरा कि हाउ कम गूगल ने एक ऐसा पेज दिखा दिया है कि जिसका कॉन्टेंट ही नज़र नहीं आ रहा तो इससे मुराद ये है कि देर इज सम तो फोर ऑफ फोर वो पेज होते हैं जिससे एक तो यूज़र एक्सपीरियंस डायरेक्टली हिट होता है जो कि कोई भी कंपनी कम अज़ कम आजकल के दौर में तो बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वी हैव टू तो डू समथिंग नंबर वन नंबर टू कि फोर ओ फोर होना ही नहीं चाहिए यानी अमूमन जब कंपनीज में फोर ओ फोर का मैसेज आता है तो बिलीव मी और नॉट इट्स अ रेड अलर्ट कोई भी कंपनी जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रही है ना वो फोर ओ फोर को अफोर्ड नहीं कर सकती तो वन फोर ओ फोर मीन यू आर लूजिंग ट्रैफिक पोटेंशियली यू आर लूजिंग रेवेन्यू रेवेन्यू कोई नहीं लॉस करने का बर्दाश्त कर सकता तो वी हैव टू डू समथिंग। एक सोल्यूशन तो इसका ये होता है कि या तो फोर ऑफ़ फोर पेज ऐसे पेज हैं जो डिलीट हो गए हैं या एक ऐसे पेज हैं जो रीडायरेक्ट हो तो गए हैं लेकिन अभी गूगल ने आके इंडेक्स नहीं किया जैसा मैंने बताया था कि जो थ्री ओ वंस होते हैं दे माइट टेक सम टाइम टू गेट अपडेटेड ऑन द गूगल नेक्स्ट टाइम जब क्रॉलर आएगा तो ऐसे पेज इसको अपडेट करेगा तो हो सकता है उस दौरान किसी ने सर्च कर दी हो लेकिन वॉट वरीज मी मोर जिसकी मुझे ज़्यादा फिक्र है वो पेज तो दोबारा अगर डिलीट हुआ हुआ है या डिडरेक्ट हुआ हुआ है तो जब नेक्स्ट टाइम क्रॉलर आएगा तो उसको अपडेट तो कर लेगा लेकिन वॉट वरीज मी मोर ना वो दैट वो मुझे जो मैसेज आ रहा है ना यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस वो गड़बड़ है अब उसके गड़बड़ होने की एक रीज़न है कि जो मैसेज मैंने आपको दिखाया था अभी ये वाला मैसेज ये आप समझें कि ये कोड है कहीं का यानी ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है तो रिकमेंडेड वे ये है कि बजाय ये स्क्रीन दिखाने के यूजर को आप कोई एक नाइस nice सा मैसेज दिखा दें कि योर योर पेज इज करंटली नॉट अवेलेबल या आप कोई ऐसा और पेज दिखा दें जो मेरी सर्च से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एम ना हो उसमें कुछ कॉन्टेंट तो दिखा दें ब्लैंक पेज दिखा देना और टेक्निकल किस्म का मैसेज लिख देना ये मैसेज तो यूएक्स को बर्दाश्त नहीं है तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कस्टमाइज फोर ओ फोर कर देना यानी थोड़ा सा बेहतर मैसेज दिखा देना रादर देन शोइंग दिस होल ब्लैंक पेज के दिस एन एरर तो दिस इज वन रिकमेंडेड वे टू हैंडल फोर ओ फोर